गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दादा, मैं हूं आपका बाली। और भाई गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग हो गई है, बल्कि रात के बज गए हैं 9:48, ठीक है। और इस बार मैं आपको लेके जा रहा हूं ऋषिकेश, यहां पे करेंगे रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर होगा, मज़ा आएगा भरपूर। और इस बार मेरे साथ जा रहे हैं तीन और दोस्त, मलकीत, अभी और नबी। नबी हमें चंडीगढ़ से ज्वाइन करेंगे और मलकीत और रवि गंगानगर से ज्वाइन करेंगे, जो कि मेरा वेट कर रहे हैं सब्बे के ऊपर। और इस बार ट्विस्ट ये है कि इस बार हम अपनी बाइकों से नहीं जा रहे, बल्कि फोर व्हीलर से जा रहे हैं, जो कि मेरे पीछे खड़ी है, आप देख रहे हैं। और इसके पीछे कहानी क्या है, दर्द भरी कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा वो गाड़ी में बैठ के, जब मेरे तीनों दोस्त मिल जाएंगे तो वो बताऊंगा, क्योंकि हर एक बाइकर की वो दुखती रग है, ठीक है। तो मैं वो रग गाड़ी में बैठ के, तीनों दोस्त मिल जाएंगे, फिर वो दुखती रग पर हाथ रखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे दोनों दोस्त, अपना मलकीत और रवि, मेरा वेट कर रहे हैं राजदीप के बाइक के रेस्टोरेंट सब्बे के ऊपर। तो आपको लेके चलते हैं अभी सब्बे पे जल्दी से, क्यों 10 बजे का टाइम था, फिर लेट हो जाएंगे तो हमें, क्योंकि रात को पूरा रास्ता ही ट्रैवल करना है, ठीक है। तो खाना भी तो कुछ खाया नहीं है, लाइट सा स्नैक्स वगैरह खाया है मैंने। तो चाबी कहाँ गई भाई, मिल गई। तो रास्ता लंबा है थोड़ा, इसलिए लाइट खाना खाया है कि ड्राइव करनी है हमें। यार लाइट के बिना यूट्यूबर्स की तो ज़िंदगी नहीं है। तो मिलते हैं आपको सब्बे के ऊपर, ठीक है। तो भाई पहुंच गए हैं हम सब्बे, राजदीप बाइक के रेस्टोरेंट पे, और एक खड़ी है अपनी 650 राजदीप की जान, ठीक है। तो मलकीत भाई तो पहुंच गए हैं भाई, देखो। हेलो जी, वाह वाह, थैंक यू। ये अपने भाई मलकीत भाई, काफ़ी बार देखे ना तुम, ठीक है। तो अपने वो कितने गए रवि भाई आ रहे हैं, हाँ गड्डी से, एंड देन फिर अपन नाल चलेंगे, वो भी ठीक है। राजदीप भाई उनको पिक करने गए हैं ना, वो उनको पिक करने गए हैं, वहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ से अपने स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। आप, मैं और रवि भाई। देखो भाई, अपना रेस्टोरेंट हो तो फिर फ्री में मिलते हैं स्नैक्स, ठीक है। तो अभी उसे बस ये इंजॉय करते हैं, तो उतनी देर में रवि भाई आ जाएगा, फिर निकलते हैं जल्दी से, ठीक है। चीयर्स। तो भाई आगे ने ये अपने राजदीप, ते नबी अपने रवि भाई। ये कहने से नहीं जाना, एक कुंडली च किसी ने लिखता सी पानी तो खतरा छांग मार। अरे मेरे अपनी ना करे, तो भाई डर के है। राजदीप भाई बोल रहा है कि इनकी कुंडली में लिखा है कि पानी से खतरा है, इसलिए भाई रिवर राफ्टिंग उधर होगी, इसलिए जा नहीं रहे। चलेंगे सिक्किम, चलेंगे, चलो भाई सिक्किम चलेंगे, आ जाओ फिर, चलिए। चलो भाई, लेट्स गो। तो भाई अभी गंगानगर से निकल चुके हैं, तो अभी रवि भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो बारी बारी चलाते रहेंगे, पूरी रात ड्राइव करना है। 3:30 बजे लगभग पहुंचेंगे चंडीगढ़, उससे पहले दीपक ढाबा पे थोड़ा, उधर भूख लग जाएगी तो कुछ खा लेंगे थोड़ा। दीपक ढाबा बहुत ही अच्छा है, ऐसे ढाबा नाम से मत जाना, बहुत ही अच्छा लगेगा, कई बड़े बड़े रेस्टोरेंटों को पीछे छोड़ता है ना भाई, ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वो खुला रहता है। तो बताएंगे आपको कौन सी लोकेशन है, कहाँ पड़ता है, तो क्या क्या उनका कैसा है, तो आपको, आप अगर आप भी विजिट करना है वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 10:30, तो गंगानगर से हम निकल चुके हैं, तो जो जो हम करते जाएंगे रास्ते में मिलेगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। और एक रीज़न जो मैंने बताया था आपको कि हम फोर व्हीलर पे क्यों जा रहे हैं, टू व्हीलर पे क्यों नहीं जा रहे, तो भाई वो दुखती रखे हर बाइकर की वो है बजट, ठीक है। तो अभी साल पूरा पड़ा हुआ है ना, तो साल पूरा पड़ा हुआ है, हमने और भी ट्रिप प्लान कर रखी है, तो हमने सोचा कि एक बाइक का तेल लग रहा था 4,000 रुपए का, तो जैसे 4 बाइकर थे हम, तो 4 बाइकर का 16,000 का जा रहा था, और हमने हिसाब लगाया कि क्योंकि 1200 किलोमीटर है आना जाना,
ऋषिकेश से गंगानगर आना जाना 12 किलोमीटर है, और गाड़ी में अगर जाएंगे तो इसमें तेल लग रहा है, डीजल गाड़ी है, और 20 की माइलेज भी मानो तो मैंने हिसाब लगाया 5100 का तेल लग रहा है, तो 1200 रुपए का पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा था एक बाइकर को 4000 का, तो भाई उतने में तो कोई अच्छा गियर आ जाएगा हमारा। तो ये थी भाई ट्विस्ट, इसलिए हमने चूज किया कि चलो इस बार गाड़ी पे चलते हैं। तो भाई अभी जो भी हो आगे होता जाएगा, आएगा अच्छी चीज आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा भाई जी पहुंच गए हैं, बठिंडा क्रॉस कर लिया है, अभी दीपक ढाबा जो कि गंगानगर से 200 किलोमीटर है वहां पहुंचने वाले हैं, और 10 किलोमीटर दूर है बस, और 11:15 बजे चले थे हम, और अभी 1 बजने वाला है, तो 2.25 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर दिया भाई ने। तो इस हिसाब से ड्राइविंग हो रही है, तो अभी वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स लाइट वगैरह थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, और थोड़ा वेट रुकेंगे 1.25 घंटा उधर, और आपको ढाबा दिखाएंगे वो किस तरह का वो ढाबा रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो पहुँच के आपको दिखाते हैं ढाबा, दीपक ढाबा। ये अपना बठिंडा और चंडीगढ़ का जो रोड है उसी के ऊपर पड़ता है, उसके आसपास गांव कौन सा है? मेन शहर था भाई बरनाला। मेन शहर बरनाला के पास पड़ता है दीपक ढाबा, और एक राजवाड़ा ढाबा भी है इसके पास ही ना। बरनाला से आउटर में दीपक ढाबा है, और दीपक से 7-8 किलोमीटर दूर पे रजवाड़ा ढाबा है। अच्छा, तो दीपक ढाबा पे आप सारे के सारे वेजिटेरियन हो तो आप वहाँ जा सकते हो। हाँ। और अगर आप वेज के साथ में नॉन वेज भी लेना चाहो तो आप रजवाड़ा भी जा सकते हो। ओके ओके, तो आज इस बार तो हम जाएंगे दीपक ढाबा, वहाँ पे देखेंगे कैसा, तो आपको भी बताएंगे। आते वक्त आपको कोशिश करेंगे कि राजवाड़ा भी दिखा देंगे। ठीक है, बताते हैं भाई, बता रहा है कि उसका जो बैक व्यू है बहुत अच्छा है देखने के लिए, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, तो आते वक्त कोशिश करेंगे कि राजवाड़ा ढाबे के ऊपर रुकेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको दीपक ढाबे के ऊपर। देखो ये ढाबा, जैसे मैं पहले बोल रहा था कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ता है, इधर काफ़ी कुछ है भाई, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ मिलता है इधर भाई, सब कुछ, मिठाइयाँ, स्नैक्स। ये दूध है ना? हाँ, ये दूध पीने के लिए भाई, काढ़ा हुआ दूध, गुलाब जामुन, देखो साइज देखो। एक्चुअल गुलाब जामुन ये छोटे वाले है ना, रसगुल्ले, ये स्नैक्स, बिस्किट्स, एवरीथिंग, ये लस्सी, मीठा दूध, केक, ड्रिंक्स हैं, दूध हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, टॉफीज हैं बच्चों के लिए, हर्षे, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। तो भाई जी आ गए हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। ठीक है, तो और अभी ये है मीनू इनका, और अभी लाइट खाना था हमें, क्योंकि हमने पहले घर से भी खा के आए थे, रास्ते में स्नैक्स लेते आए, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो अभी हमने ऑर्डर किया है वेज ग्रिल सैंडविच, जो कि मात्र 100 रुपये का है, और बाकी अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम अराउंड 2:15 बजे का, 2:30 बजे का टाइम है, और अभी अंदर क्लीनिंग चल रही है, देखो आप सारी अंदर क्लीनिंग चल रही है, पर फिर भी जो कस्टमर आते हैं उनके लिए टेबल लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 24/7 आपको यहाँ पर सर्विस मिलेगी। तो अभी हमने ऑर्डर किया था वेज ग्रिल सैंडविच, और जो कि आप तैयार हैं, हाजिर है, ठीक है, ये वो देखिए, वाह। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं कैसा है। केचप का पाउच नहीं दी गई, केचप के लिए बोतल दी गई है स्पेशली। बिल्कुल ओके भाई, थोड़ा प्लीज टेस्ट करो भाई, लोगे पाउच भी दे दिया क्या, आपने सुन लिया क्या? नहीं okay. कोई बात नहीं, ये मत दो आप, ये आपने दे दिया है, आप ही लेने, कोई नहीं, फिर इन्होंने चाय कॉफी सर खाऊंगा, चाय कॉफी पीनी पर मैं तो एक बाइट टेस्ट करूंगा, बाइट बहुत बढ़िया यार, खा के देखो, क्रंची, चाय कॉफी सर। भाई 100 रुपये में ऐसा सैंडविच कसम से मैंने नहीं खाया कभी, है ना, तो बहुत ही बढ़िया है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ी, पड़े हुए पैकेट पड़े हैं, 100 रुपये पड़ी, बहुत ही अच्छा है,
तो भाई अभी खाना हो गया लाई लाइट, जो हमने खाना था थोड़े सैंडविच खा लिया क्रिस्पी वाला और कॉफ़ी पी लिया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। और अभी टाइम क्या हुआ भाई? टाइम 2:45 हुए हैं और अभी बस 5 मिनट में इधर से निकलने वाले हैं, तो निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। नवी भाई को मिलेंगे वहाँ से, 3:30 का टाइम दिया है उसको भाई को, तो चलते हैं चंडीगढ़, मिलते हैं आपको। तो भाई चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और रात के बज गए हैं, रात के नहीं सुबह के 5 बजने वाले, 10 मिनट कम है, और चंडीगढ़ लगभग पहुंच गए हैं, लगभग पूरे पहुंच गए हैं सेक्टर 77। ओ देखो भाई मेरा, ओ देखो भाई मेरा, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, आ देखो, आ देखो कौन है, ये है नेविगेटर, नेविगेटर। हम जाएंगे ऋषिकेश। ओके वेलकम भाई। सुबह के बज गए हैं 6:10 और चंडीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर आ गए हैं उत्तराखंड में, और जगह है सेनवाला, और जहाँ पे चाय के लिए रुके हैं। नवी भाई ने चाय पीनी है, बाकी कोई नहीं पी रहा, बाकी स्नैक लाइट खा रहे हैं। डेढ़ चाय नवी भाई की, आधी चाय मेरी है। ओके तो पूरा बताएगा। ओके ओके तो चाय पी के फिर निकलते हैं। लो स्नैक लाइट खाओ। तो भाई सुबह के 7 बज गए हैं और अभी हम क्रॉस किया है जस्ट चंबू वाला, तो उसके 3 किलोमीटर बाद ही ये व्यू मिला, तो वहाँ पे हम रुक गए। पीछे व्यू देखो पहाड़ियों का, और साथ ही ये एक आर्टिफिशियल लेक है बनाई हुई, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखो थोड़ी थोड़ी सी इसमें बाप उठ रही है, मौसम थोड़ा सा हल्का हल्का सा ठंडा है, तो मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। देखो तो अच्छे अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ी सी वाइब्स आने लगी हैं। भाई कैसी लग रही है जगह? हैं सेक्सी मॉर्निंग वॉक मिल जाए, कि चारों तरफ झील के किनारे देखो, बिल्कुल देखो पहाड़ी का व्यू देखो पीछे, है ना, बढ़िया यार। और सुबह के अभी 7 बजे हैं, अभी डिस्टेंस कितना रह गया हमारा, कोई कितना डिस्टेंस होगा, और 150 किलोमीटर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहां पे, है ना। तो चलो चलते हैं फिर। तो भाई देहरादून में पहुंच गए हैं और टाइम हो गया है 9:50 और भूख लग गई है सबको, और अभी एक रेस्टोरेंट मिला है पंपकिन करके, देहरादून में ही है, और भूख लगी है ज़बरदस्त क्योंकि रात को कुछ खाया नहीं था, तो अभी एक ऑर्डर शायद भाइयों ने किया है, और मलकीत भाई को लगी है भूख, और इसको दे दो पराठे, पराठे दिख रहे हैं हर जगह, और वाह। और देखो ट्राइट कैंप बना रखा है ले भाई पावर नैप है। मेरा ब्रेकफास्ट की ऑर्डर कितना है? मेरा ब्रेकफास्ट 4 गोलियां ऑर्डर बस तो ऑर्डर करते है भाई, यही ऑर्डर किया हमने, 2 प्लेन डोसे, मिक्स पराठा, आलू पराठा, है ना, तो आता है तो खाते हैं फिर निकलेंगे।
तो भाई ब्रेकफास्ट करके देहरादून से निकल चुके हैं, पंपकिन रेस्टोरेंट पे खाना खाया था। बाकी कैसा लगा खाना? मीडियम है ना, ना इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं थी जनाब। वैल्यू हाँ, 750 का बिल बना है पर कोई मज़ा नहीं आया, वो वाली बात नहीं है। तो हम आपको भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे आए। हाँ, और यार अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो भी लंबी हो रही है, तो जो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे वो दूसरे पार्ट में अभी देखेंगे जो इसके बाद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।